निगम प्रशासन की उदासी से नरक में जिंदगी गुजार रहे वार्ड 25 की जनता। यह तस्वीरें हैं वार्ड नंबर 24-25 की, जहां कई वर्षों से यह सड़क जर्जर हालत में है। बताते चले कि इससे पहले जो मुख्य सड़क थी, जो नीम चौक से सीधे पावर हाउस वाले मुख्य सड़क से जुड़ी थी, जिसके लिए सरफराज अनवर ने पिछले साल एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा। सड़क पर गंदे पानी में उतर करके खेती की थी, जिसके बाद कुछ दिनों के बाद सड़क निर्माण शुरू हुआ। सरफराज अनवर ने कहा कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय पर बहुत बड़ा जन आंदोलन वह करने जा रहे हैं। लगातार अपने क्षेत्र का दौरा करते हैं और कई बार उन्हें बहुत ही ज्यादा चिंता हो जाती है कि इस तरीके से लोग शहर के बीचों बीच रह रहे हैं। सरफराज अनवर जैसे लोग समाज सेवा भाव करते हैं। आने वाले समय में ऐसे लोग अगर जनप्रतिनिधि बनते हैं तो वह क्षेत्र कितना सुंदर बन सकता है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण यह वार्ड थोड़ी सी भी बरसात में तालाब बन जाती है, जो तस्वीरें बयां करती है। गरीबों के लिए आवास योजना हो, जनधन योजना हो, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था तो बहुत जरूरी है। कचरा उठाओ और कचरा प्रबंधन की समस्या है। इस क्षेत्र में आवारा पशुओं की समस्या है। इस दिशा में कोई ठोस प्रयास आज तक नहीं उठाया गया है। बता दें कि टेहरी बाजार की सड़क, जिसमें आधा अधूरा नाला निर्माण तो हुआ मगर सड़क नहीं बनने के कारण बरसात के अलावा अन्य दिनों में भी लोग गंदे पानी के बीचों बीच होकर जाते हैं। बड़ी बात है कि हम लोग बोलते हैं आम आदमी, लेकिन आम आदमी की सुनने वाला कोई नहीं है। ये हमारा वार्ड 25 है, ये 24 है। जो मुख्य सड़क है यहाँ का, जो जीवन रेखा कहलाती है मुख्य सड़क, इसमें सब निष्क्रिय है। आप हालत देखिए सड़क की, बरसों से यहाँ जल जमाव, ये बरसात का पानी नहीं, हमेशा लगा रहता है, हमेशा लगा रहता है। एक साल पहले जब नाला निर्माण शुरू हुआ तो हम लोग को एक उम्मीद लगी कि चलिए रोड भी बनेगा, लेकिन कहीं कोई योजना इसकी नहीं है। कई बार हमने सवाल किया नगर में, निगम में भी, पार्षद से भी, तो भी यही बोला गया हाँ योजना में है, योजना में है। लेकिन पिछले हफ्ते भी मेरी बात हुई है इंजीनियर साहब साउद साहब से, तो 3 योजना है, इस योजना का नाम कहीं भी नहीं है। मैंने बोला पहले भी तो आप लोगों ने बोला, नहीं सर ये योजना नहीं है अभी तक। तो कल हम लोग जा रहे हैं नगर आयुक्त से मिलेंगे और उनको एक लेटर देना है उनको, ठीक है, कि ये हम लोगों ने बनाया है, ये देख लीजिए आप क्या हालत है इस सड़क का। अच्छा, ये आवेदन आप नगर निगम में देने जा रहे हैं? नगर आयुक्त को कल हम मिलेंगे। इससे पहले भी आयुक्त ये दिया गया था, आवेदन दिया गया था, ठीक है। हम दूसरी बार हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे मसला है कि जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। ये सड़क जो आप देख रहे हैं मुख्य सड़क, नगर निगम पूर्ण रूपेण उदासीन है अपने क्रियाकलाप को लेकर। ये जहाँ पर जनता आक्रोशित होती है, कुछ विरोध प्रदर्शन करती है, तब जाकर के उसको कुछ न कुछ सौगात दे दिया जाता है। परंतु सामान्य स्थिति में जो जिम्मेवारी होनी चाहिए नगर प्रशासन की, उस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं जा रहा है। अभी वर्तमान में जो आपको ये सड़क की हालात दिख रही है, क्या ये आम जीवन के लिए सामान्य स्थिति किसी भी सूरत में नहीं कही जाती? इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।